संसद जाएंगे। हमने विपक्ष के लोगों से भी कहा है कि वो अपनी बात सदन में उठाएं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह का अंत होता नहीं दिख रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे को मात देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू सीएम के घर पटियाला पहुंच गए। सिद्धू विधायक मदन लाल के घर पर जाकर उनसे मिले। यहां पर सिद्धू का जोरदार स्वागत किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर पंजाब कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। इन सबके बीच कैप्टन कैंप के पंजाब कांग्रेस सांसदों ने सिद्धू को जोकर बताते हुए उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने की मांग की। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। ओम बिड़ला मानसून सत्र से पहले सभी पार्टियों के नेताओं से मिले। संसद का मानसून सत्र सोमवार से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 9 बैठकें होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के साथ जिस तरीके की बातें हुई थी, उसके बाद सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से बुलाई गई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य केंद्रीय मंत्री और नेता मौजूद रहे। सत्र के दौरान संबंधित 2 और 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को हुई संसदीय बैठक के दौरान जानकारी दी। इनमें से सरकार ने 29 विधेयक लाने का प्रस्ताव पास किया है। इनमें से 6 अध्यादेश हैं जो कि बजट सत्र के बाद पारित किए जाएंगे और वित्त मंत्री से संबंधित 2 विधेयक हैं। जोशी ने कहा कि संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीएम मोदी ने कामकाज के सुचारू संचालन और इन कानूनों को पारित करने की सभी दलों की बैठक में सहयोग मांगा। संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण होता है, काफी बहस मायने रखती है और सार्थक और स्वस्थ चर्चा होती है। पीएम मोदी ने कहा कि नियम के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मानसून सत्र के मद्देनजर 33 दलों के सदन के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और कुल 40 से ज्यादा नेता इसमें शामिल हुए। सोमवार से शुरू होने वाला सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष महंगाई, तेल के बढ़ते दामों, कोरोना, टीकों की कमी, किसान आंदोलन, राफेल डील, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार की कोशिश रहेगी इस सत्र में 3 अध्यादेशों समेत कुल 23 विधेयक पास करवाए जाएं, जिनमें से 17 नए बिल हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुआ टकराव खत्म नहीं हो रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच में दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर रविवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के सांसद शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने बताया कि सांसदों के साथ मीटिंग में हमने किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सिद्धू को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद सिद्धू मिलने आए, मैंने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मीटिंग में जसवीर सिंह गिल, शमशेर गिल, मोहम्मद सिद्दीकी, परनीत कौर चौधरी, संतोष और मनीष तिवारी प्रताप सिंह बाजवा के घर पहुंचे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी 2 पार नजर आ रही है। एक तरफ जहां पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने बयान जारी करके अमरिंदर सिंह को पंजाब का सबसे बड़ा नेता बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक मदन लाल ने कहा कि सिद्धू के अध्यक्ष बनने से पंजाब कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा।
वहीं 10 विधायकों ने बयान जारी करके पार्टी से कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज न करने की अपील की है। विधायकों का कहना है कि कैप्टन के प्रयासों के चलते ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी स्थिति में है। विधायकों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पार्टी आलाकमान करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक तौर पर जो भी कुछ हुआ उससे पार्टी का ग्राफ कम हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले उतरेगी या गठबंधन करेगी, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बयान दिया है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे इस बात को खारिज नहीं करती, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपीएम ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन से पहले मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्राह्मण समाज दुखी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया था। वहीं इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी के दलित लोगों पर मुझे नाज है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दलितों को भटकाने के बहुत प्रयास किए हैं। बीजेपी ने दलितों को खूब खिचड़ी खिलाई, लालच दिया। दलितों के हाथों की बनी खिचड़ी ने पसंद नहीं आई, शायद खुद से ही बना लेते। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यही किया। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी हो गई है। रविवार को राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि रविवार को सीएम योगी की आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम ने दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्देश दिया। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित रहने के लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। हरियाणा में यह लॉकडाउन 19 जुलाई से 26 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इसके तहत प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसकी अवधि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, बार और जिम को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का आदेश। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती जा रही हैं, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। इसी बीच ब्रह्म मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। वहीं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके बताया कि मुंबई में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके बताया कि शनिवार रविवार की रात को मुंबई में भारी बारिश हुई। कुछ इलाकों में 3 घंटे में ही 200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी भर गया। ये सब बादल फटने की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और घर ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत कार्य लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जिस तरीके की बातें करते हैं उससे लगातार बातें निकलकर सामने आती हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि ये साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिप नाम की वेबसाइट भारत को बदनाम करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज क्लिप को विदेशों से फंडिंग होती है, ये वेबसाइट इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हमारी वैक्सीन नीति को लेकर सराहना की गई, लेकिन हमारे देश और हमारी वैक्सीन को बदनाम करने की यहां पर कोशिश हो रही है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर बीजेपी की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका असर दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड मूल के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिसके बाद से बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट करके लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न को रेवड़ी का पैकेट समझ लिया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भरी पंचायत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसके सिर के बाल काट दिए गए और गंजा करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, गांव के लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक का आरोप है कि उसने गांव की लड़की के साथ छेड़खानी की थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल दो सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश हसन के पैर में गोली लग गई, जबकि बदमाश भागने में एक कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश का नाम हसन है। हरिद्वार के श्यामपुर पुलिस और एसडीआरएफ ने बरसाती पीली नदी में फंसे चार मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया और उनको जीवन दानिया। चारों मजदूर हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन पीली नदी पुल के निर्माण कार्य में लगे थे। पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से मजदूर फंस गया। मणिपुर में रविवार सुबह से अगले 10 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी करके पुलिस और सामान्य प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य में कोरोना के बढ़ते डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए ये सरकार का फैसला है। देश में जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में यूपी में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए और सड़कों पर ही कम ही ट्रैफिक देखने को मिला। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड में है। कर्नाटक सरकार ने कोविड 19 से संबंधित पाबंदियों में ढिलाई की घोषणा की है। रविवार को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार को थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही नाइट कर्फ्यू के समय भी एक घंटे की कटौती की गई। अब कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह आदेश 19 जुलाई तक लागू होगा। कोरोना के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश में तमाम टूरिस्ट शिमला पहुंच रहे हैं। रिज पर बड़ी संख्या में पर्यटक देखने को मिले। केवल सीमित संख्या में पर्यटकों और लोगों को शिमला के रिज और मॉल रिज में प्रवेश करने की अनुमति है और केवल वरिष्ठ नागरिकों को बेंचों पर बैठने की अनुमति है। हिल स्टेशन पर भीड़ के मसले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोरोना नियम मानने की अपील की है। साथ ही कहा है कि पर्यटक हमारे राज्य में आए, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। श्रीनगर के झेलम नदी में अब न्यूजीलैंड से आई लग्जरी बस वोट भी आपको नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के जल परिवहन प्राधिकरण ने कश्मीर में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए इसी उद्देश्य से झेलम नदी पर क्रूज के लिए पहली आयातित लग्जरी नाव लाई है। 30 सीटों वाली बस वोट का इस साल 10 जुलाई से श्रीनगर के बाहरी इलाके लसजान और चट्टावल वियर के बीच झेलम नदी में ट्रायल रन। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इस अकाउंट पर टेस्ला के CEO एलन मस्क की तस्वीर लगा दी गई है। यहां पार्टी की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। ओवैसी की पार्टी के ये ट्विटर अकाउंट की काफी सक्रियता बात है। हैकर्स ने पार्टी का प्रोफाइल नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी बिल्कुल यही तस्वीर लगी है, जिसे हैकर्स ने AIMIM के ट्विटर DP पर लगा दिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान संसद का आह्वान किया गया है। किसान संसद की शुरुआत 22 जुलाई से ही की जाएगी, जिसमें लगभग 200 की संख्या में किसान जंतर मंतर में पहुंचेंगे। किसानों की यह संसद उस दिन तक चलेगी जिस दिन तक संसद भवन में संसद का मौजूदा सत्र जारी रहेगा। इसी संबंध में आज किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में बैठक हुई, जिसमें किसानों ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। किसान नेताओं का पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अभी इस विषय में कोई इजाजत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक करने के बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे। जल्द ही एक और बैठक होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच आज अलीपुर स्थित मंत्रम रिसोर्ट में सवा घंटे बैठक चली। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमने अपना कार्यक्रम दिल्ली पुलिस को बता दिया है। 22 जुलाई से 200 की संख्या में किसान बस के माध्यम से जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, वहां किसान संसद चलाएंगे। किसानों द्वारा संसद घेराव की बात कभी नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान जंतर मंतर पर जाएंगे उन्हें किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आई कार्ड दिया जाएगा। जिसके पास आई कार्ड नहीं होगा उसे शामिल नहीं होने दिया जाएगा। किसान संसद संसद भवन में चलने वाले सत्र के आखिरी दिन तक जारी रहेगी। पुलिस को भी इस बारे में पूरी जानकारी दे दी। आने वाले समय में उत्तराखंड के 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। सीएम ने कहा कि दिल्ली दौरे पर जिस तरीके से गए थे, वो विशेष रूप से उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की थी और उत्तराखंड के 6000 गांव को इंटरनेट से जोड़ने की गुजारिश उनकी तरफ से की गई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम जाएंगे। सीएम के तय कार्यक्रमों के अनुसार 19 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचकर वहां पर पुनर्निर्माण कार्यों को जायजा लेंगे। लेकिन सीएम के केदारनाथ का दौरा तय होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोरी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीते दिनों बीजेपी नेता का चारधाम के मंदिरों में स्थानीय लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटने की कोशिश की थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकधारियों में आक्रोश बढ़ गया था। ऐसे में अगर सीएम केदारनाथ धाम दौरे पर जाएंगे तो अपनी सुरक्षा को बढ़ाकर जाएं, क्योंकि जनता का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आज और कल बारिश की आशंका जताई है। 18 तारीख को कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश और वहीं 19 तारीख को प्रदेश में अच्छी बारिश की आशंका जताई है। 19 तारीख को गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। रुद्रप्रयाग जिले में आफत की बारिश बरस रही है। दो दिनों से जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में और निचले इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में एक और जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है तो वहीं केदार घाटी में ठंड भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग पूरी तरीके से बंद। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जसपुर में दुल्हन पैलेस में प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू के चलते ईद के त्यौहार को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में जसपुर की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद एसडीएम और जसपुर कोतवाल ने जसपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ईद मनाए, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस न पहुंचे, खुले में पशुओं की कुर्बानी न दें। हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव होने को है, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला के दबाव में मंत्रिमंडल में दो नए मंत्री बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों का पत्ता पूर्व सरकार की तरह साफ हो सकता है। हरियाणा के ताजा राजनीतिक हालात और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी दिग्गजों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक की।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, कानून मेरे या फिर किसी के कहने से नहीं चलता। विज ने यह प्रतिक्रिया सिरसा में आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज हुए FIR और देशद्रोह के मामलों पर दी है। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले आंदोलनकारी किसानों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की कार पर हमला किया था, उसके बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चे से 7 दिन के लिए निलंबित किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब के किसान संगठनों को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। पंजाब के संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने मोर्चे पर कार्रवाई को तानाशाही करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि आंदोलन में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया। टिकरी बॉर्डर को एक तरफ खोलने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, इससे आंदोलनकारियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ के उद्योगों पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हजारों लोगों के रोजगार अब तक ठप हो चुके हैं क्योंकि पेट्रोल पंप भी बंद है, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को भी नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान को उड़ाने के लिए सरकार पायलट की तलाश कर रही है। विमानन विभाग ने सीनियर और जूनियर पायलट की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। संविदा आधार पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए पायलट के लिए 4.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन तय किया गया है और वहीं जूनियर पायलट को भी 2,30,000 वेतन देने की तैयारी है। विमानन विभाग के अफसरों से बताया कि दोनों पदों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसके आधार पर इच्छुक पायलट 30 जुलाई तक अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की तैयारी में है। विमान विभाग ने इसके लिए 7 सीटर विमान रखने वाले निजी ऑपरेटर से प्रस्ताव मांगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय के एक बयान से लगातार हलचल मचती जा रही है। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम बदलने को लेकर बीजेपी पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री बनने के कई दावेदार हैं, मैं सच कहूंगा और जो भी कहता हूं वो सच हो भी जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शहर के समस्त थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग में SSP के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। भारत के मिडिल ऑर्डर के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह युवा ईशान किशन को डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि पहले से ये जानकारी नहीं थी, उसके बाद आज ये जानकारी दी गई। दरअसल संजू सैमसन मैच से ठीक पहले चोटिल हो गए थे और इसी कारण वो मुकाबला नहीं खेल सके। उनके घुटने में चोट लगी है। BCCI ने आज बयान जारी करके कहा कि सैमसन को घुटने में चोट आई है, जिसके कारण वो इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। मेडिकल टीम उनकी स्थिति की जांच कर रही है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिली। ये दोनों खिलाड़ी इससे पहले T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हैं। ईशान किशन के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। आज उनका जन्मदिन है। 23 वर्षीय ये खिलाड़ी भारत के दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर डेब्यू किया है। वनडे में डेब्यू से पहले ईशान किशन ने भारत के लिए T20 दो मैच खेले। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अंधेरी के बरसोबा जेटी पर स्पॉट हुई। नोरा ने ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट्स कैरी कर रखी थी, हालांकि जब उनको देखा तो लोगों की भीड़ लग गई। अभिनेत्री श्रुति हासन अक्सर अपने बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका के साथ स्पॉट होती हैं और वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती है। हाल ही में श्रुति हासन शांतनु हजारिका के साथ मुंबई के बांद्रा में नजर आई। दोनों कार में बैठे थे लेकिन मीडिया को देखकर बाहर निकल आई। ANB न्यूज एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।